तुम सोए नहीं अभी तक? वो सोने जा रही थी मैं। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। तो बताओ, तुम्हें जॉब मिली? एक दो जगह इंटरव्यूज दिए हैं, देखो क्या होता है। सफिया, तुम हारून कमाल को क्यों नहीं देती अपनी सीट? आज भी मुझसे फोन पे पूछ रहे थे तुम्हारा। मैंने उनको तुम्हारी जॉब का बोला है, वो कहते हैं कि वो कर सकते हैं तुम्हारी जॉब का कुछ। अंबर, तुम फिर उनसे मिली हो तो उसमें क्या हर्ज है? तुम्हें याद है कि वो इंसान तुम्हें कितना बुरा लगता था? वो मेरी बेवकूफी थी। हारून एक बहुत अच्छे इंसान है। तुम्हें इंसानों को जज करना नहीं आता। सफिया, जरूरी नहीं कि अगर मैंने एक दफा धोखा खाया है तो मैं बार बार धोखा खाऊंगी। तुम्हें उनसे मिलने की कोई जरूरत नहीं। अगर मैं तुम्हारी बात मानकर इस डरबे में रह रही हूँ ना, तो यही बहुत। मुझसे एक्सपेक्ट ना करो कि मैं तुम्हारी सारी बातें मानती जाऊँ। छोटी हो तो छोटी बन के रहो। मेरे पापा तो आइडियल है मेरे। अच्छा, पर क्यों? क्यों का क्या मतलब? इतनी इंप्रेसिव पर्सनालिटी है उनकी। तुम तो मिल चुके हो ना? मिल चुका हूँ। कैसे लगे तुम्हें? मतलब अब एक मुलाकात में कोई किसी के बारे में क्या कह सकता है? और तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि मैं अपने मसले में उलझा हुआ था उस वक्त, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था। सर कोई बात नहीं, दोबारा मिलवा लूंगी तुम्हें। सही, वैसे भी बहुत अच्छे इंसान है वो। आई हैव सीन अ पर्सन लाइक हिम, और उनकी तो जान है मुझमें। कोई बात नहीं डाली उन्होंने आज तक मेरी। तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। खैर, तुम्हारे फादर कैसे हैं? मेरे पापा? हाँ। पता नहीं, वो मैं छोटा सा था तो डेथ हो गई ना उनकी। ओह, आई एम रियली सॉरी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी अम्मी है ना मेरी आइडियल। मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मेरी अम्मी ने हमारे लिए इतना किया है, इतना किया है, इतना किया कि मैं बता नहीं सकता हूँ तुम्हें। मैं अपनी अम्मी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। कितना प्यार करते हो अपनी मम्मा से? मुझे पता ही नहीं है कितनी मोहब्बत करता हूँ। मेरी समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। Come on, Sophia, you don't have to, कोई जरूरत नहीं है। मगर फिर भी आपको मेरी वजह से इतनी ज़हमत हुई है। मुझे शर्मिंदा कर रही हैं जब आप? आपको अंदाजा नहीं है कि मुझे इस जॉब की कितनी जरूरत थी। और मुझे इत्तेफाकन एक अच्छा दोस्त मिल गया जो कि आपके काम आ सका। One to be honest, मैं इतना रिसोर्सफुल नहीं हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही कि मैं आपके किसी काम आ सका। Honestly. जी चले, मैं बाइक निकाल। सर आपके पास हमारा मेंबरशिप कार्ड है, सर बनवा लें। वैसे भी 10,000 की शॉपिंग करने पे हम आपको मेंबरशिप कार्ड बना के दे रहे हैं। अच्छा, उसका फायदा क्या है? फायदा है सर, नेक्स्ट टाइम अगर आपकी बेटी शॉपिंग के लिए आएंगी तो इन्हें 30% तक का डिस्काउंट मिलेगा। अभी रहने से बाद में। शुक्र। अस्सलामुअलैकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम सफिया बेटा, आओ आओ। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत मुबारक हो तुम्हें नौकरी मिलने की। अरे आंटी, सब तो आपकी वजह से हुआ है। अच्छा, मैं समझ रहा था मेरी वजह से। हाँ भाई, तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अब बार बार जताओगे क्या? वो आंटी, मैंने फ्रिज में गोश्त रखवाया था ना, वो दे दे। हाँ एक मिनट पहले कर। वैसे मैं तो सोच रहा था आपको मिठाई मिठाई लेके आएंगे, कोई मुंह मीठा करवाएंगे, लेकिन आपने तो जहमत ही नहीं की। अरे आपने मुझे बोला ही नहीं, वरना मैं ले आती। देख रही है अम्मी, क्या जमाना आ गया। लोग ये समझते हैं कि मिठाई के लिए जब तक उन्हें कहा ना जाए वो मिठाई खिलाएंगे।
आंटी मैं ले आऊंगी मिठाई। अरे नहीं, तो ऐसी तंग कर रहा है तुम्हें, इसकी बातों में मत आना। चले मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। कितनी अच्छी लड़की है ना ये शहीद। हाँ अच्छी तो है, प्यारी भी है। इतना गौर नहीं किया मैंने। अच्छा नहीं किया? यहाँ बिना आपकी मजाक की आदत कभी जाएगी नहीं। तुम सो क्यों नहीं जाती? आज मैं फैसला करके ही सोऊंगी हारून। कैसा फैसला? और फैसला तो मैं कर ही चुका हूँ, इनफैक्ट तुम्हें बता भी चुका हूँ। तो फिर और क्या जानना चाहती हो मुझसे? तुम गड़े मुर्दों को उखाड़ना चाहती हो और मैं नहीं। गड़े मुर्दे? हारून वो हमारा बेटा है, तुम उसे गड़ा मुर्दा नहीं कह सकते। वो हमारी गलती है शाहिस्ता, और मुझे अपनी गलतियों का बैनर बनाकर अपने गले में पहनने की आदत नहीं है। और तुम क्यों चाहती हो कि दुनिया वाले उंगलियां उठाएं, हंसें, हमारा मजाक उड़ाएं? व्हाट्स द पॉइंट? दुनिया की अगर मैंने परवाह की होती तो आज मैं तुम्हारी बीवी न होती। दुनिया की अगर मैंने परवाह की होती तो तुम्हारे इशारों पर नाचते नाचते मैं अपनी जिंदगी बर्बाद ना करती। दुनिया की परवाह तो मैंने सिर्फ एक बार की थी, जब मैंने तुम्हारे कहने पर अपनी औलाद छोड़ दी। लेकिन अब मुझे किसी दुनिया की परवाह नहीं है। सब कुछ जैसा है उसे वैसे ही छोड़ दो, चीजों को खामखा खराब मत करो। वो लड़का अपनी घर में, अपनी जिंदगी में बिल्कुल खुश है, सेट है। तुम्हें क्या मसला है? और अपने पास रखकर क्या कर लोगी? सेट? What do you mean by set? वो चंद हजार की नौकरी के पीछे धक्के खाता फिरता है। जिस घर में वो रहता है वो मेरे सेवन क्वार्टर से भी छोटा है। हाँ लेकिन ये उसकी किस्मत है। नहीं ये उसकी किस्मत नहीं है, ये वो किस्मत है जो हमने उसे दी है। इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, हमारा कसूर है, सब हमारा कसूर है। You know what? मुझे लगता है तुम्हें फिर से साइकाइट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत है, ये दोहरे फिर से आने लगे तुम पर। इस बार मैं साइकाइट्रिस्ट के पास नहीं जाऊंगी, कहीं और जाऊंगी। अपने बेटे को लेने जाऊंगी और लेकर उसे इस घर में आऊंगी। जानती हूँ, रियली प्राउड ऑफ यू। इनफैक्ट मुझे तुमसे बिल्कुल यही तवक्को थी। तुम आफ्टर ऑल यू आर अ लिबरेटेड इंडिपेंडेंट वुमन। तुम्हारी अम्मी और बहन को कोई हक नहीं था कि वो तुम पर रोक टोक करें। आफ्टर ऑल यू आर एन एडल्ट। हाँ आई डोंट नो मम्मी को क्या हो गया है, वो आपको नापसंद क्यों करने लगी हैं हारून? पहले तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये सब सफिया की वजह से हो, वही अम्मी को आपके खिलाफ उकसाती रहती है। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है ये मेरी समझ से बिल्कुल बाहर। आई एम कम्प्लीटली अनेबल टू अंडरस्टैंड दैट। इसमें ना समझने की बात नहीं, वो तुमसे जलती है, पर वो नहीं चाहती कि तुम्हें वो सब कुछ मिले जो उसे नहीं मिल सकता। नहीं नहीं वो मुझसे जल नहीं सकती, वो मेरी बहन है, वो मेरा ख्याल रखने की बहुत कोशिश करती है। आई डोंट नो उसको कुछ हो गया है। एक सेकंड। हेलो हेलो पापा, कहाँ हैं आप? क्यों क्या हुआ? मेरा एक्सीडेंट हो गया है। क्या एक्सीडेंट? अरे पर कैसे? और तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, मगर गाड़ी बस आप सब छोड़ के अब मोहटा पैलेस के पास आ जाए। हाँ बेटी फिक्र मत करो, मैं फौरन तुम्हारे पास ही पहुँच रहा हूँ, बस तुम वहीं गाड़ी पर रुको, रिलैक्स ठीक है। नायाब का एक्सीडेंट हो गया है। वो ठीक तो है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, कोई इंजरी तो नहीं हुई है, लेकिन शी रियली नीड्स मी। देखो इफ यू डोंट माइंड मैं तुम्हें यहाँ उतार सकता हूँ। हाँ तुम यहाँ से टैक्सी ले लो ना। हारून मैं यहाँ अकेली कैसे घर जाऊंगी? देखो घबराने की कोई बात नहीं, अगर मैं तुम्हें ड्रॉप करने आऊंगा तो फिर नायाब के लिए लेट हो जाऊंगा। हाँ यू विल बी फाइन, तुम घर चली जाओ और मुझे फोन कर लो जब पहुंचोगे।
और हाँ फोन जरूर कर देना ओके। नायब क्या हुआ तुम्हें? I'm okay, mama. Everything is fine now. फिकर करने की कोई जरूरत नहीं। जब मुझे कॉल आया तो मेरी जान भी निकल गई। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है ऐसे कुछ नहीं। कितनी बार कहा है मैंने तुम्हें कि फोन ड्राइव मत किया करो। ड्राइवर किस लिए है? It wasn't my fault, mama. दूसरा ड्राइवर इतनी बुरी तरह से ड्राइव कर रहा था। अच्छा जो हो गया सो हो गया। इसे कमरे में ले जाओ। चलो हाथ सुना करो बच्चे। कहिए क्या बात करना चाहती हैं मुझसे? ये तुम किस तरह बात कर रहे हो मुझसे? मुझे आपका एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं है जो आप मेरे साथ रखे हुए हैं। एटीट्यूड? तुम समझते हो कि मैं सड़क पे फिरते हुए किसी भी लड़की पर नवाजिशात करती फिरूंगी? अगर मिसेज शाइस्ता हारून कमाल किसी के आगे पीछे फिरती है तो उसकी जरूर कोई वजह होगी। तो बताइए ना क्या वजह है, बोलिए। वो ये तो बताने आई हूँ मैं तुम्हें हर शहीर। तुम मेरे और हारून कमाल के बेटे हो, फातिमा मुख्तार के बेटे नहीं हो। आपका दिमाग तो सही है। मैं साबित कर सकती हूँ तुम पर। फातिमा मुख्तार ने तुम्हें बहुत साल पहले एक हॉस्टल से अगवा किया था। ये देखो सारा सबूत। मिसेज हारून कमाल, पहले तो मुझे शुबा था लेकिन अब यकीन हो गया है कि आपको वाकई में साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है शहीद, सारे सबूत मौजूद हैं। देखिए बहुत हो गया, आपने अगर मुझसे दोबारा रابطہ करने की कोशिश की तो मुझे मजबूरन आपके शौहर से बात करनी पड़ेगी। वालेकुम सलाम। वो काफी दिनों से मुलाकात नहीं हुई तो मैंने सोचा कि खैर खैरियत पूछ लूं। कैसी हैं आप? ठीक। हाय। कैसी हो आप? I'm fine.
मैं बस आप लोगों को ये बताने आया हूँ कि अपार्टमेंट की रेनोवेशन ख़त्म हो चुकी है, तो आप लोग जब चाहते हैं शिफ्ट कर सकते हैं। यू मोर देन वेलकम। बहुत शुक्रिया, लेकिन अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं। मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही, हम जहाँ हैं वहाँ बहुत खुश हैं। खुश हैं? बट प्लीज डोंट बी सिली। ये इलाका आप लोगों की रिहाइश के काबिल ही नहीं है, और माफ़ कीजिए पर ये घर, इससे तो मेरा अपार्टमेंट हज़ार गुना बड़ा है। हम किस रिश्ते से आपके अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाए? हर रिश्ते को नाम देना ज़रूरी नहीं होता। ज़रूरी है, हम लोगों में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, जंगल में नहीं। तो चले इसे फैमिली फ्रेंडशिप कह लेते हैं, आखिर फैमिली फ्रेंड तो हो ही, और मुझे आप लोगों से हमदर्दी है, तो इसमें कोई मसला है क्या? आई एम सॉरी, लेकिन मुझे इन दोनों लेबल्स के साथ मिलने वाली कोई भी चीज काबिले कबूल नहीं है। अंबर, हम जरा बाहर चल के इसके बारे में बात कर सकते हैं? अंबर आपके साथ कहीं नहीं जाएगी, जो बात होगी मेरे सामने होगी। अभी बस थोड़ी देर की बात है, मैं अंबर को खुद वापस छोड़ाऊंगा। मैंने कहा ना, अंबर नहीं जाएगी, और आइंदा बराए मेहरबानी हमारे पास मत आइएगा। अंबर प्लीज, अगर थोड़ी देर की बात है तो मैं चलती हूँ आपके साथ, मुझे भी कुछ ज़रूरी बातें करनी है। अंबर, मम्मी प्लीज जल्दी आ जाऊँगी, ज़रूरी बात करनी है इनसे मुझे। मैं गाड़ी में इंतजार करता हूँ। तुम्हें एहसास है तुमने क्या कहा? हाँ भाई, अपनी लाइकिंग का इजहार कर रही हूँ, और क्या कर रही हूँ। मतलब नायाब, तुम बोलने से पहले थोड़ा सा सोचती क्यों नहीं? तो आपके ख्याल में ये सब कुछ मैं बिना सोचे समझे कह रही हूँ? Then you're wrong, because I like you and it's fact. कितने दिनों की? तो तुम मुझे इस तरह की लड़की समझते हो? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी इस तरह की लड़की नहीं समझता। हाँ, मैं तुम्हें पागल जरूर समझता हूँ। Just because I proposed you. Naya, please. देखो, मेरी मम्मा ने पहली नजर में जिससे मोहब्बत की उसी से शादी की, और मेरे पापा ने भी यही किया, और ऑफ कोर्स मैं भी यही करने वाली हूँ। शादी? हाँ, मुझसे? ऑफ कोर्स तुमसे। कोई है और यहाँ बैठा हुआ? पागल हो गई हो? इत्मीनान रखो, अभी नहीं कर रही शादी, स्टडीज कंप्लीट होने दो, फिर मैंने जॉब करनी है, उसके बाद शादी करेंगे। नहीं मतलब नायाब, प्लान क्या है तुम्हारा? तुम ये चाहती हो जो तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो मुझे जान से मारते हैं? फजूल बातें मत किया करो तुम। मतलब बैठे बैठाए तुमने मोहब्बत का इजहार भी कर दिया, शादी का प्लान भी कर लिया, और जिससे शादी करनी है उससे उसकी पसंद का पूछा नहीं। वाह, ग्रेट, जबरदस्त। फिर तुम्हें पसंद नहीं? नहीं, मैं मैंने ऐसा तो नहीं कहा तुमसे। हाँ, इतनी पसंद नहीं हो कि मैं शादी करूँ तुमसे। तो शादी के लिए आपके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, बताना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली अपनी क्लास की लड़की के साथ शादी करूँगा। मैं तुम्हारी क्लास में नहीं हूँ। मैं यूनिवर्सिटी की क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ ना आया, मैं सोशल स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा हूँ। मेरे और तुम्हारे खानदान के स्टैंडर्ड में जमीन आसमान का फर्क है, और मैं आसमान से रिश्ता जोड़ के खुद हवा में लटकना नहीं चाहता। मुझे कोई शौक नहीं। Such a disappointment. इतने inferiority complex में रहते हो तुम। तुम्हारा जो दिल चाहता है ना, तुम प्लीज मुझे वो कहो, लेकिन मुझे मेरी औकात में रहना है। मतलब मैं अगर 100 साल भी पैसे कमाता रहूं तो तुम्हारे बाबा के करीब भी नहीं पहुंच सकता हूं मैं। How shallow, कितनी shallow thinking है तुम्हारी। लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं सोचती, मेरे नजदीक सब इंसान इक्वल है। ये सारी जो है ना, ये किताबी बातें, और ये सिर्फ और सिर्फ किताबों में अच्छी लगती। देखो नायाब, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, जो लोग हकीकत पसंद नहीं होते वो बेवकूफ होते हैं, पर मैं बेवकूफ नहीं, दिमाग चलता है मेरा, पागल नहीं हूं। And now you listen to me. बचपन से लेकर आज तक मेरे पेरेंट्स ने मेरी कोई बात नहीं टाली, तो तुमसे शादी करने का फैसला तो वो रद्द कर ही नहीं सकते। ऑर्डर कीजिए, ख्याली पुलाव बाद में बनाना, ये लो। दो वक्त ही बताएगा ख्याली पुलाव कौन बना रहा है। एक्सक्यूज मी, प्लीज बात सुन लीजिए।
मैंने तुमसे अपने उस दिन के रवैये के लिए माफ़ी मांगी है। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरे सारे मैसेजेस को इग्नोर करो या कॉल बैक ना करो, लेकिन अगर तुम्हें खुशी मिलती है तो मैं दोबारा से माफ़ी मांग लेता हूँ। आई एम सॉरी। नहीं, आपने कुछ गलत नहीं किया। इनफैक्ट आपने तो मुझे मेरे औकात याद दिलाई। इतनी गैर अहम हूँ मैं आपके लिए कि आप कभी भी कहीं भी सड़क के किनारे उतार के चले जाएंगे मुझे? बात का बतंगड़ क्यों बना रही? मैंने कहा ना आइंदा ऐसा नहीं होगा। I promise। आइंदा ऐसा तब नहीं होगा जब हमारा कोई रिश्ता होगा। तुम जो नाम देना चाहो दे सकती हो इस रिश्ते को। रिश्ते को नाम मर्द देते, औरत नहीं। देखो अंबर, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। मैं जानती हूँ हारून, लेकिन दुनिया नहीं जानती। इतनी मोहब्बत करते हैं मुझसे तो दुनिया को भी बताएं। क्या क्या बताऊं दुनिया को? मुझसे शादी करके। ये अचानक शादी का फतूर कहां से आ गया तुम्हारे दिमाग में? ओ, तो आप मुझसे वो रिश्ता रखना चाहते हैं जिसमें शादी कभी नहीं आती? कौन कहता है? आती है, जरूर आती है, कभी ना कभी आएगी। कभी ना कभी? अभी क्यों नहीं? अभी क्या प्रॉब्लम है हारून? आप मेरी जिम्मेदारी उठाने से घबरा रहे हैं। तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने से घबरा रहा हूं? शायद तुम भूल रही हो, मैंने तुम लोगों को अपना अपार्टमेंट ऑफर किया था। तुम्हारी पूरी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। अरे तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा, सिवाय अपने नाम के। मुझे दौलत का लालच मत दे हारून। बड़ी दौलत देखी है मैंने। मेरा बाप एक करोड़पति इंसान था और मैं उसकी लाडली बेटी। क्या आप मुझे मेरे बाप से ज्यादा आसाइशें ला के देंगे? अंबर मैं, मुझे उन लड़कियों में से मत समझे हारून जो दौलत के लिए आपके साथ चली आती हैं। मैं सिर्फ नाम के लिए आपके साथ आई थी, बदनामी और रुसवाई का लेबल लगाने के लिए नहीं। अंबर शादी बच्चों का खेल नहीं है। तो मोहब्बत को भी बच्चों का खेल मत समझे हारून। अरे मुझे कुछ वक्त दो। मेरे पास वक्त नहीं है हारून। आइंदा तभी मिलूंगी जब आप मुझसे शादी के लिए तैयार होंगे। अंबर उस औरत का दिमाग खराब हो गया है। किसकी बात कर रहे हो? ये सब तुम्हारा कसूर है समझ। ना तो मुझे उनसे मिलवाते और ना वो इस तरह मेरे पीछे करते हैं। किसका कह रहे हैं? मिसेज हारून कमाल की बात कर रहा हूँ। उन्होंने फिर रात तक किया तुमसे? आपको पता है उन्होंने क्या किया? मुझे फोन करके कहती हैं कि मुझसे बहुत जरूरी काम है, मुझे आके मिलो, और अगर मैं नहीं आया तो वो मेरे ऑफिस आ जाएंगी। मुझे मजबूरन उनसे जाके मिलना पड़ा और अब मैं पछता रहा हूं मैं क्यों गया। कहा क्या उन्हें? अपना बेटा कह रही थी मुझे, और कह रही थी कि आप मुझे हॉस्पिटल से चुरा कर लाई। पता नहीं क्या अजीब अजीब बातें कर रही थी। मैं तो फौरन गाड़ी से उतर गया। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आज के बाद अगर उन्होंने मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो मैं उनके हस्बैंड मिस्टर हारून कमाल को शिकायत लगाऊंगा। आई एम सीरियस, बहुत हो गया। तुम नयाब से बात क्यों नहीं करते? हाँ हाँ करता हूँ। अम्मी परेशान मत हो, अब करता हूं मैं बात उससे।
आज इस बात का फैसला होके रहेगा कि तुम हारून कमाल से मिलना छोड़ोगी या नहीं। पहले शायद छोड़ देती, लेकिन अब नहीं छोड़ सकती। क्यों? अब क्या जादू कर दिया उसने तुम पर? उसने मुझे प्रपोज किया, और मैंने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। ओह माय गॉड, हम पर होश के नाखून लो, रक्षी मत बनो तुम। मुझे रक्षी के साथ खड़ा मत करे मम्मी। तुम खुद कर रही हो, मैं नहीं। ये मेरी जिंदगी है मम्मी, और मैं इसे अपनी मर्जी से गुजारूंगी। तुम्हारे बाप ने अपनी मर्जी की, और कितने इंसानों की जिंदगी, तुमने उससे भी सबक नहीं सीखा। तुम्हारे बाप की मर्जी की वजह से आज हम इस फुटपाथ पर हैं। मेरी मर्जी की वजह से हम किसी फुटपाथ पे नहीं जाएंगे मम्मी। मैं सिर्फ आपको वो सब कुछ वापस दिलाना चाहती हूँ जो हमसे छिन गया है। और वो सब तुम्हें दुगनी उम्र के मर्द से शादी कर कर मिलेगा? पागल हो गई हो तुम। ये सब अगर तुम हमारे लिए कर रही हो तो मत कर, और अगर अपने लिए कर रही हो तो अपने ऊपर रहम खाओ। लोग दूसरों को गड़े में गिरता देखकर भी सबक हासिल कर लेते हैं। जिंदगी सिर्फ एक गड़े से निकल के दूसरे गड़े में गिर जाने तक के फासले का नाम है। इंसान अगर आंखें बंद कर लेना तो तुम्हारी तरह उसे अंधेरे ही नजर आते हैं, और अगर आंखें खुली रखें तो इस दुनिया से घिन आने लगती है। कहाँ से आ रही हो तुम? आप जल्दी नहीं आ गए? पूछा कहाँ से आ रही हो तुम? शॉपिंग करने गई थी मंसूर। किसके साथ? इसका क्या मतलब? मतलब ये कि तुम मॉल में किसी लड़के के साथ शॉपिंग कर रही थी। हाँ, कजिन है मेरा, इत्तेफाकन मिल गया था। कौन सा कजिन? आप नहीं जानते। नाम क्या है? कोई नाम तो होगा तुम्हारे कजिन का। खुर्रम, हारून तुम्हें एक्सप्लॉइट कर, तो मैं भी तो करूंगी उसे एक्सप्लॉइट। किसी ना किसी चीज के लिए जाऊंगी मैं उसके पास। अंबर, अपने आप को इतना सस्ता मत करो। मैंने नहीं किया, मेरे अपनों ने किया है। कहां करेगा वो तुमसे शादी? पूरे शहर के सामने, या फिर किसी फ्लैट में चार गवाहों के साथ? कहीं ना कहीं तो करेगा। उसने मुझे डायमंड रिंग दिए। मर्द सिर्फ मंगेतर को नहीं देते डायमंड रिंग, और भी बहुत सी औरतें होती हैं, और एक रिंग से रिश्ते नहीं बनते हैं। कम से कम रिश्ते का आगाज तो होता है। रिश्ते में क्या है? चचा साहब, मामू साहब? चचा साहब सेकंड कजन है चचा की साइड से। कहाँ रहता है? आप इतनी तफ्तीश क्यों कर रहे हैं? मैं इतनी तफ्तीश क्यों कर रहा हूँ ये बाद में बताता हूँ। मुझे मंसूर बात कर रहा हूँ। मुझे बताइएगा, रक्षी का कोई कजन है जिसका नाम खुर्रम है? कोई कजन है जिसका नाम खुर्रम है? मामू साहब जी, ठीक है, ओके। तुम्हारी तरह तुम्हारी माँ भी बहुत समझदार है, जिसे तुम अपना सेकंड कजन कह रही हो असल में
वो उसे तुम्हारा मामाजात कह रही है। अब उसका असल तारुफ कराओगी मुझे? दोस्त है मेरा, ये सारी तबाही तुम्हारी लाई हुई है और तुम्हें अभी भी एहसास नहीं हुआ? इस सब की जिम्मेदार मैं नहीं हूं मम्मी, आप हैं इसकी जिम्मेदार। अगर रक्षी बाबा के पैसों में इंटरेस्टेड थी तो आपको भी बाबा के पैसों में ही इंटरेस्ट था। आपने भी अपने शोहर को पैसा बनाने की मशीन समझा जो पैसा ला के देता रहा और आप उड़ाती रही। तुम मुझे इल्जाम दे रही हो, अपनी माँ को बुरा कह रही हो? हाँ मैं कह रही हूँ आज आपको बुरा। आप नहीं है एक अच्छी माँ, ना एक अच्छी बीवी, ना अच्छी माँ। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए और तुम्हारे बाप के लिए? क्या कुछ नहीं किया? आपने हमारी तरबियत नहीं की, आपने सिर्फ हमें पैदा किया पाला बस। आपने बाबा का ख्याल नहीं रखा मम्मी, सिर्फ उन्हें इस्तेमाल किया। आपने घर बनाया होता तो वो कभी ना टूटता। आपने एक मकान बनाया था और वो टूट गए। खुशनुदियों की जहत में घुटने लगा है दम, राजी रजा के खेल से उगता गए। रक्षी, तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड? चले आप बॉयफ्रेंड समझ लें। तुम इतनी बेशर्मी से उसके बारे में अपने शौहर को बता रही हो? आप इस रात कर रहे हैं तो बता रही, वरना कभी भी ना बताती। वैसे भी वो मेरा अच्छा दोस्त है और कुछ नहीं। दोबारा आपने उस अच्छे दोस्त के बारे में मेरे सामने जिक्र किया, मैं उसे मिलने की कोशिश की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपने ये लाइफस्टाइल देखकर मुझे पसंद किया था मंसूर। मैं तुम्हें एक शरीफ औरत समझता था। शरीफ औरतें शरीफ मर्दों को मिलती हैं मंसूर। एक लफ्ज भी और मत निकालना वरना क्या तलाक दे दोगी मुझे? निकल जाओ मेरे घर से अभी। मेरे घर से मुझे निकाल दोगे? ये मेरा घर है। था, अब ये मेरे नाम है, मेरा घर है। और मंसूर अगर तुमने जाना है तो तुम जा सकते हो। वैसे भी मैं अपने बाप की उम्र के मर्द के साथ रह रह के था। I want you to leave my home right now. Get out! We'll see, Mansoor. मामा प्लीज चुप हो जाएं। तुमने देखा कैसे इल्जाम देकर गई है मुझको? इसकी वजह से मैंने क्या कुछ नहीं बर्दाश्त किया। भूल जाएं उसने क्या किया, हमें रास्ता निकालना है इस मुश्किल का। हल तो वो निकाल चुकी है, अपने बाप के नक्शे कदम पे चलेगी। मामा हमें बाबा को सब बता देना चाहिए। मंसूर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या कर लेगा वो?
वो अंबर को तो नहीं रोक सकते, लेकिन हारून कमाल को तो रोक सकते हैं ना। मम्मा प्लीज चुप हो जाएं।